नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ता के जो काउंटर होते हैं उसके सेटअप कैसे करते हैं हम अपने लाइव स्टेशन के लिए। लाइव स्टेशन का मतलब है जब भी आप पास्ता लाइव पे लगा रहे हो, आप बैंक्वेट में हो, बुफे में हो, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में हो और आप पास्ता का काउंटर लगाना चाहते हो तो कैसे उसका आप सेटअप करोगे। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक उसका बेसिक सेटअप होता है, दूसरा हमारे प्रॉप्स होते हैं कि आजू बाजू में आपने क्या क्या चीज़ें रखी पड़ी हैं। ठीक है जी, आपने बड़े बड़े बाउल्स रखे हैं, उनमें पास्ता भर के रख लिया है, ऊपर सॉसेज वगैरह लटका दी हैं, नकली टमाटर या असली टमाटर वगैरह लगा दिए हैं, जार्स के अंदर अपने जो शिमला मिर्च कैप्सिकम वगैरह भर के रख दिए हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कैसे सेटअप करना है, नहीं तो जो चीज़ें हैं हमारी स्मूथ नहीं होंगी और हमारा पास्ता का काउंटर अगर लग भी जाएगा तो वो स्मूथ ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, या यहाँ पे अगर चार लोग भी लग जाएंगे तो कस्टमर को अच्छे से सर्व नहीं हो पाएंगे। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे दो गुड न्यूज़ हैं मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सबसे पहले हमें जो YouTube का जो प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जो कि 1,00,000 सब्सक्राइबर के पूरा होने पे मिलता है, वो मिल चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, धन्यवाद तो उनका भी है जो भी देखते हैं, बट जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हमारी ये पूरे 2.5 साल की मेहनत है और आप लोगों का प्यार है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों ने शार्क टैंक आप लोगों ने सीरियल देखा होगा जिसमें कि जो फाउंडर्स होते हैं अपने अपने जो आइडियाज़ होते हैं उनको जाके पिच करते हैं और वहाँ से वो पैसे मांगते हैं या फंडिंग लेते हैं। तो हमारे एक मेंटी हैं, उत्तम है उनका नाम, और सुपेक्स इंडिया के नाम से उनका स्टार्टअप है, उनको फंडिंग हुई है और जो एपिसोड होगा वो जनवरी के मंथ में आएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे शेफ लोग हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी मेंबर है, सिर्फ ये ना सोच के कि हमको खाना बनाना है, कुछ उससे भी आगे सोचें, जैसे उत्तम ने किया आप लोग भी ऐसे ही करें। और आप सबको यहाँ पे मेरी विशेष हैं, आप प्लीज़ ज़रूर इस तरीके की चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। वापिस आएंगे टॉपिक पे, यहाँ पे मैंने पूरा का डायग्राम बना दिया है और यहाँ पे मैंने ABCD से उनको डिनोट कर दिया है डायग्राम के अंदर। अब ये एक प्रकार से हमारा काउंटर है, यहाँ पे इस तरफ जो शेफ होंगे एक या दो वो खड़े होंगे हमारे, और ये एक इस तरीके से हमारा एक स्ट्रेट एक स्टेशन लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए की, यहाँ पे ये दो राउंड राउंड देखेंगे ए, ये हमारे हमारे स्टोव हैं या हमारे जो गैस के बर्नर आप बोल लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक या फिर गैस दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा बी है, ये है हमारे सॉस पैन जिसके के अंदर हम लोग अपने पास्ता को कुक करेंगे। तीसरा यहाँ पे सी हमारा, ये हमारे ब्लांचिंग के इक्विपमेंट है। अब ब्लांचिंग के इक्विपमेंट का मतलब है या तो आप हमारे जो डीप फ्राइड फ्रायर होते हैं उनको रख सकते हैं, उनके अंदर पानी गर्म कर सकते हैं, उनके अंदर नट भी लगा रहता है और आप चाहे तो उसके अंदर पास्ता भी बॉईल कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप लोग बर्नर लगा सकते हैं और उसके अंदर जो अपने स्ट्रेनर है वो रख सकते हैं और अपने पास्ता को ब्लांच कर सकते हैं। दोनों ही आपके ऊपर हैं, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास वहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे डी है हमारा। अब डी यहाँ पे हमारा एक तरीके का पॉट है, पॉट के अंदर हम लोग पानी रखते हैं और पानी के अंदर हम हमारे जो भी लैडल्स हो गए, टॉम्स हो गए, स्लाइसर हो गए, स्पून हो गए, ठीक है, जो भी हमको पास्ता बनने में लगने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ी गंदी हो जाती है तो हम उनको पानी के अंदर डिप करके रख देते हैं ताकि वो साफ भी हो जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पानी है समय समय पर अपने 15-20 मिनट के अंदर उस पानी को फेंक देना है और नया पानी को आपको भर लेना है, क्योंकि सामने से इस तरफ से जो आपके गेस्ट हैं आपको देखते रहेंगे कि आप किस तरीके से कुक कर रहे हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स वगैरह कहाँ पे कैसे रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा ई। ई हमारी ये एक प्रकार की ट्रे है, ट्रे के अंदर कई सारे खाने हैं, मतलब बॉक्सेस हैं, जैसे कि हमारे हर्ब्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, हमारे चॉप हमने अगर बेसिल या पार्सल लगाया वो हो गया, चैरी टमाटो हो गया, ऑलिव हो गया, किसी प्रकार के स्पेशल स्पाइसेस हो गए, सॉल्ट हो गया, पास्ता का मिक्स हो गया, या फिर हमारे सॉस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस कॉन्डिमेंट्स की ट्रे के अंदर रख लेते हैं और इसको हम लोग समय समय पर रिफिल करते रहते हैं। यहाँ पे जो सॉस वाला पार्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा रिफिल करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली में वही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, बाकी आपका काम पूरा अगर एक बार आपने उसमें भर के रख लिया तो वो चल जाएगा। अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा है तो आप चाहें तो उनको सेपरेट भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली है। अगर यहाँ पे आपके मान लीजिए 7 या 8 खाने हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं, और या 1 या 2 के अंदर आपके कॉन्डिमेंट या 4 के अंदर आपके कॉन्डिमेंट आ रहे हैं तो बाकी के अंदर आप अपनी सॉस रख सकते हैं, जो भी आप सॉस रख रहे हैं, चाहे टमाटो सॉस है, बेचमल सॉस है, पेस्टो सॉस है, जो भी आप रखना चाहें।
इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारा एफ आता है जो कि है हमारा चॉपिंग बोर्ड। और इस चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग कटिंग करने के लिए। क्या कटिंग, ठीक है, जैसे कि हमारी ब्रेड के क्रूटॉन्स की हम लोगों ने कटिंग, जो कि हम लोग पास्ता के ऊपर डालते हैं, हम लोग गार्लिक ब्रेड बोलते हैं या क्रूटॉन आप बोल दीजिए, या फिर अगर आपके पास चिकन है चिकन के स्लाइसेस आपको करने हैं, या जो भी गेस्ट मांग कर दे रहा है कि भैया मुझे तो चिकन डाल दो, मुझे बेसिल मत डालो, मुझे दूसरी कोई सब्जी डालो, मुझे छोटे पीस कर दो, अलग अलग डिमांड्स आती है वहाँ पे, तो आपके पास नाइफ और चॉपिंग बोर्ड है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपको गेस्ट कह रहा है। तो यही एक नॉर्मल सेटअप आपका होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो बड़े ग्लास के जार होते हैं उसके अंदर आप जो शिमला मिर्च भर के रख सकते हो, अपने पास्ता रख सकते हो, अपने ऑलिव ऑयल की बोतल रख सकते हो, और ज़्यादा अगर आपके पास स्पेस है जो हमारे पास्ता की मशीन होती है वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो ये आपका सेटअप हो जाता है, और जो मैंने बाकी चीज़ें आपको बताई वो आपके प्रॉप्स हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो आपका जो स्टेशन है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको पास्ता के जो स्टेशन है सेटअप करना आ गया होगा। ये बेसिक सेटअप था, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा, बाकी प्लीज़ चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।